एक तरफ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार गरीबों के लिए योजना चलाकर वाहवाही लूटती है, लेकिन हकीकत इससे विपरीत ही होती है। इस वाहवाही के चक्कर में पिसता है सिर्फ गरीब व्यक्ति। ऐसा एक मामला सामने आया है ग्राम धमनार का, जहां पोषण आहार देने वाले स्व सहायता समूह को दिसंबर माह से अभी तक पैसा नहीं दे गए। ऐसा नहीं कि स्व सहायता समूह के संचालकों ने आला अधिकारियों से गुहार न लगाई हो, वह हर जगह अपने पैसों की गुहार लेकर पहुंचे। महिला बाल विकास के अंतर्गत पड़ने वाले पोषण आहार होने के बावजूद भी इन समूह को पैसा नहीं दिया गया। तकरीबन 5 महीनों से चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक उन्हें यही सुनाई मिल रहा है कि उनके बिल नहीं आए हैं। इस संबंध में जब हमने महिला एवं बाल विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि स्व सहायता समूह के जो बिल प्रस्तुत किए गए उनमें और वास्तविक बिलों में हितग्राही में अंतर होने के चलते अभी तक उनका पैसा नहीं मिल पाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही इन बिलों का परीक्षण होने के बाद जांच रिपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद जो भी जांच में आएगा वह कर दिया जाएगा। हालांकि अधिकारी ने माना कि इन लोगों का पैसा तो रुका हुआ है। सर ये आ रही है, अपन पिछले करीबन 8-9 साल से आंगनबाड़ी का पोषण आहार चला रहे हैं, जिसकी वजह से कभी 2-3 महीने लेट, कभी 2-3 महीने लेट पैसा आता है। आज की स्थिति में दिसंबर से अभी तक ना तो कोई पैसा आया, ना कोई अधिकारी सुनता है। अधिकारियों के पास जाओ तो कहीं कहते हैं आप कलेक्टर साहब के पास फाइल पड़ी है, जिला परियोजना में जाओ तो वहाँ मैडम बताती हैं हमें कुछ जानकारी नहीं है। मैडम से कहते हैं मैडम हमको तो सिर्फ पोषण आहार देने की जिम्मेदारी है, हमें ना किसी अधिकारी से बात करना है, आप बटवाती हैं आप बताइए, तो वो कहते हैं बोले हम कुछ नहीं बताते, ना हमें पैसों का पता चलता है। आज 3-4 महीने हो गए घूमते हुए, ना कोई पैसा आया ना कुछ आया, जमीन है नहीं, उधारी देके लगाते हैं और आज तक वो पैसा नहीं मिला। आपकी क्या समूह का क्या नाम है? गिरिराज स्व सहायता समूह ग्राम धमनार में आता है जी। करीबन कितने लोगों के पैसे नहीं आए गाँव से? ऐसे काम से करीबन मेरे जहाँ तक सवाल है सर, 4-6-8 लोगों को खुद मैं देख चुका हूँ, उनका पैसा नहीं आया सर अभी तक, दिसंबर से अभी तक। अभी आप कितने लोग आए हैं? अभी हम यहाँ 2 लोग आए हैं, हमारी 4 आंगनबाड़ियाँ हो रही हैं, 1 ग्राम में 2 आंगनबाड़ियाँ हैं, 2 इनके रहनदाई वाले में हैं, तो हम भी कई बार चक्कर लगाते हैं सर कुछ सुनने के। तो आपका ये ग्रामीण का पैसा कौन कहाँ से मिलता है? सर ये बताते हैं कि महिला बाल विकास से आता है सर। और महिला बाल विकास आप गए तो? गया तो कोई साफ सुनता नहीं है, कहते हैं बोले फाइल नहीं आई, कहीं कहते हैं बिल नहीं आए। सर 1 महीने नवंबर का दिसंबर का पूछने जाओ तो फरवरी में ही पूछने जाओ तो कहते हैं अभी हमारे पास बिल नहीं आए। करीबन कौन से महीने से पैसा नहीं मिला आपको? दिसंबर से सर। फिर आप कैसे आहार कैसे पहुंचा रहे हैं? आहार ऐसे पहुंचा रहे हैं कि उधारी ले लेते हैं ग्रामीण से, कह देते हैं भैया पैसा जैसा आएगा वैसा आपको देंगे, जैसा पैसा आएगा। करीबन कितना पैसा रुका? ज़्यादा नहीं तो सर करीबन 20-25 हज़ार रुपये रुकता है एक आदमी का। एक आदमी उसमें क्या चल रहा है सर? उनका बिलों का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है और वास्तविक अधिकारियों के आधार पर उनका भुगतान किया जाएगा, और जैसे परियोजना कार्यालयों से जो परीक्षण होने के बाद जो फाइल प्रस्तुत की जाएगी तो सर की बात का भुगतान कर दिया जाएगा। उनमें सर कुछ कमी लिख ली है बिलों में? उसमें ऐसा अंदेशा लगा है कुछ बिलों में जो है अधिकारियों की संख्या अधिक है और मौके पर कम अधिकारी पाए जाते हैं, इसलिए उसका पुनः परीक्षण कराया जाए। सर उन लोगों का कहना था सर दिसंबर माह से हमारे पेमेंट नहीं आया अभी तक। दिसंबर के तो नहीं, लेकिन बाद के कुछ पेमेंट है जो जांच के बाद उसको भुगतान कर दें।